सो गाइस यार भाई सभी भाई लोगों जय श्री राम, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस नए GT5 गेम प्ले में। और आपको पिछले वाले एपिसोड में पता ही होगा यार, हमने भाई अपनी लाल कलर की स्कॉर्पियो को कन्वर्ट कर लिया था ये ऑरेंज कलर में, हाँ भाई भगवा कलर में यार। और हमने एक हुंडई आई ट्वेंटी को भी भगवा कलर में कर लिया था, और उसके लिए जो भाई भीड़ लगी थी ना भाई, मत ही पूछो यार, इतना ज्यादा भीड़ यार, एक भाई भगवा कलर की गाड़ी लेने के लिए, समझ रहे हो भाई, राम भगवान का भाई फैन बेस कितना यार। वैसे भाई प्राउड टू बी सनातनी है ना भाई, वो वाला एपिसोड भाई काफी ज्यादा भाई मजेदार है, आप जाके जरूर देखना भाई, मेरे को तो भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी। बाकी चलो चलो भाई फटाफट से अभी हम अपनी स्कॉर्पियो में बैठते हैं, और भाई पीछे वैसे भाई इतने दूर के लिए भाई क्या ही बैठना, फिर भी भाई अपनी भाई स्कॉर्पियो भाई ये भाई मजा आता है यार भाई, मेरे को भाई चलाने में क्या ही भाई फील आती है स्कॉर्पियो में, देख रहे हो भाई। एक भाई हमें बोल रहे थे भाई स्कॉर्पियो को भाई ब्लैक करवाने के लिए, बाकी आप लोग भाई कमेंट करो हम इसको भाई कब ब्लैक करें, तो हम इसको ब्लैक भी कर लेंगे, लेकिन अभी भाई 2-3 दिन मेरा भाई यही कलर का रखने का प्लान है। बाकी आप लोग भाई कमेंट करके बताओ यार हमें भाई ये अपनी स्कॉर्पियो को मतलब कितने दिन ये कलर में रखना चाहिए, उसके बाद हम भाई ये स्कॉर्पियो को फुल्ली ब्लैक करेंगे भाई, फुल माफिया गाड़ी लगेगी, ठीक है। अभी जो अपनी स्कॉर्पियो को हम लोग भाई यहाँ ऊपर साइड चढ़ा के ओके भाई यहाँ पर भाई आराम से पार्क कर देते हैं। अरे भाई साहब आज देखो भाई अपनी भाई सर्विसिंग सेंटर में भाई कौन कौन भाई गाड़ियाँ आज भाई फर्स्ट टाइम आई अपनी, वरना भाई जल्दी आती नहीं थी। ओ भाई यहाँ पर भाई एक ऑटो रिक्शा भी है। और बबलू भाई बताओ क्या हाल चाल। अरे अरे भाई मेरा तो बढ़िया है, आपका बताओ। अरे भाई मेरा भी बढ़िया है। और भाई साहब ये आपका ऑटो क्या? अरे हाँ भाई मैंने आपसे तो ऑटो रिक्शा खरीदा था। अच्छा अच्छा भाई याद आया मेरे को। वैसे क्या हुआ इस ऑटो में? अरे अरे भाई साहब इसका सर्विसिंग का टाइम पहुंच गया था, इसलिए मैं सर्विसिंग करवाने ले आया था। अच्छा चलो चलो सही है, बबलू भाई बढ़िया से सर्विसिंग कर देना। अरे अरे हाँ भाई यार आपको कहना पड़ेगा, हम खुद ही अच्छे से सर्विसिंग कर देते हैं। अच्छा चलो भाई ठीक है। बाकी भाई यहाँ क्या हुआ है? और मनीष भाई क्या हुआ इस गाड़ी में? ओ भाई साहब भाई ये पापा की परी ने भाई ये गाड़ी ठोका है क्या? अरे हाँ भाई ये पापा की परी ने ये गाड़ी ठोक दिया। अच्छा भाई साहब गाड़ी भाई इनको, ओ भाई पीछे के साइड भी भाई कितनी ज्यादा भाई ठुकी हुई है, और कहीं पर डेंट, ओ भाई इधर के साइड भी डेंट। बताओ यार भाई ये पापा की बढ़िया भाई गाड़ी चलाती है उड़ाती, भाई समझ में नहीं आता मेरे को। वैसे मैडम आपका ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? अरे बस मैं तो वहां से जा रही थी, बीच में एक कुत्ता आ गया, ब्रेक लगाने के चक्कर में मैंने एक ट्रक में जाके मार दिया। अच्छा वाह मैडम कितना बढ़िया काम किया आपने फिर तो। भाई ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए हमें। मनीष भाई कितना टाइम लगा इसको रिपेयर करने में? अरे बस आधे घंटे में रिपेयर हो जाएगी। अच्छा ठीक है जल्दी जल्दी रिपेयर करवा दो। वैसे गाइस ये ऑल्टो 800 भाई हमारे शोरूम का नहीं, ये मैडम भाई बाहर से कहीं पर आई है रिपेयरिंग करवाने के लिए। चलो भाई सही है, कोई मतलब भाई नया कस्टमर हमारे साथ ज्वाइन तो हो रहा है ना भाई, यही हमारे लिए भाई सबसे बड़ी बात है। और हमें भाई क्या करना भाई अपने शोरूम में, हमारे पास एक भी गाड़ी नहीं यार, लिटरली एक भी गाड़ी नहीं है अपनी शोरूम में भाई। दिक्कत तो सबसे बड़ी यही है, क्योंकि भाई शोरूम में तो हमें भाई गाड़ी तो चाहिए। हमने भाई कल भाई 10% डिस्काउंट में, 7% डिस्काउंट में हमने जो भाई सारी की सारी गाड़ियां भाई बेच डाली थी यार। तो भाई अभी हम भाई सेल क्या करेंगे? ओ वेट भाई उधर के साइड में मेरे को कुछ दिखा, एक सेकेंड भाई यहाँ से, ओ भाई यहाँ से भाई जाने का रास्ता है। अरे भाई साहब यहाँ पर तो भाई ये भंगार में भाई ये तगड़ी तगड़ी गाड़ियां यार। अरे भाई साहब भाई ये गाड़ियां तगड़ी है, बाकी भाई ये पिकअप भी तगड़ा है। हम भाई ऐसा करते हैं भाई यहाँ का भाई मालिक कौन है भाई, इनसे बात करते हैं भाई, हमें ये एक ये वाली पिकअप चाहिए और भाई ये वाला सेडान ना भाई, हमें ये दोनों नहीं चाहिए भाई, ये वाली लाल कलर की चाहिए एक भाई, एक ये वाला मतलब भाई एक ये लाल वाला ले जाएंगे, एक उधर वाला पिकअप ले जाएंगे, ठीक है भाई। उन दोनों को मॉडिफाई करके भाई तगड़ा मॉडिफाई करके उसको हम बेचेंगे, लेकिन भाई यहाँ से कहाँ भाई कस्टमर मिलेगा? रुको रुको भाई यहाँ पर तो मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ भाई, रुक जाओ इधर के साइड है क्या कोई? अच्छा अच्छा भाई लग रहा है भाई यहीं पर है। अच्छा भाई ये तो रहे शायद से भाई यही होंगे मेरे हिसाब से। और भाई लोग आप हो गए यहाँ के? अरे हाँ भाई बताओ हमें यहाँ क्या हुआ? अरे हमें ये कोई गाड़ी लेनी थी मुझे, ये भंगार वाली गाड़ी। अरे उसको लेके क्या करोगे, उसका तो कोई काम ही नहीं है। अरे भाई मुझे काम है यार, बताओ कितने की दोगे? अरे ज़्यादा नहीं, बस एक तुमको 10,000 तक दे देंगे हम। अच्छा 10,000, चलो ठीक है, मेरे को 3 लेनी है। अच्छा 3 लेनी है तो? अरे नहीं नहीं रुक जाओ मेरे को बस 2 ही लेनी है।
अरे क्या बोलते हैं भाई, कभी तीन कभी दो। अरे भाई दो लेनी है यार, फिक्स कर दो। अच्छा 20,000 रुपये लगेंगे। चलो फिर ठीक है, अब ये गाड़ी को उठा के कौन लाएगा फिर उधर के साइड? मेरा गैराज बगल में, ये बगल का गैराज जो है शोरूम में, वो मेरा है। अच्छा अच्छा आपका है क्या? अच्छा फिर तो हम डिस्काउंट करके आपको दिला देंगे। अच्छा भाई कितना डिस्काउंट करेगा बताओ तो सही। अरे भाई मिला के 19,000 दे देना। चलो भाई फिर ठीक है, 19,000 में डील डन। आप वो यहाँ आ जाओ मेरे साथ पहले। चलो भाई यार मेरे साथ आओ पीछे के साइड। यहाँ पर मेरे को भाई ये गाड़ियाँ चाहिए भाई। इन भाई को हम दिखा देते हैं हमें भाई कौन कौन सी गाड़ियाँ चाहिए, ठीक है? बाकी हमें तो भाई ये वाली पिकअप चाहिए एक, और उधर की लाल कलर की। अरे भाई ये भाई कहाँ रह गए? अरे भाई उधर से मत आओ यार। हाँ आओ, देखो भाई हमें ये एक पिकअप चाहिए, ठीक है ये वाला पिकअप। अरे अरे भाई हो जाएगा, बताओ और कौन सी चाहिए? ये पिकअप और हमें ये लाल कलर वाली, ये जो देख रहे हो ना भाई, ये लाल कलर वाली चाहिए। अरे उधर कहाँ जा रहा? अरे भाई आ रहा हूँ, रुको रुको। अच्छा ठीक है आओ आओ जल्दी भाई। एक गाड़ी हमें ये चाहिए और एक वो पिकअप चाहिए। अरे हो जाएगा, ये गाड़ी ठीक है, बढ़िया है, ले जाओ। अच्छा ठीक है, आप ये गाड़ी यहाँ पर ला देना, मैं पेमेंट आपको एडजस्ट कर ही दूंगा, ठीक है ना? अरे वैसे हमारे पास कोई ट्रेलर वगैरह नहीं है, हम किस चीज़ में ला दें फिर? अच्छा भाई फिर रुको, हम आप मेरे पास ट्रेलर है, मैं वो लेके आऊँगा, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है, हो जाएगा। तो गाइस यार चलो भाई अभी हम भाई अपना भाई ट्रेलर लेके आते हैं यार। चलो चलो भाई अपना भाई ट्रेलर भाई यहीं पीछे के साइड हमने भाई खड़ा कर रखा है, वरना तो हम भाई टो ट्रक में भी दो बार भाई ट्रेलर में भाई चढ़ाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा वैसे। चलो भाई चलो सही है, एक ही बार में आ जाए तो सही है भाई, बार बार दो बार भाई कौन लेके आएगा भाई, ये भी तो बड़ी दिक्कत ही है। चलो जी गाइस हमने भाई यहाँ भाई ज्वाइन तो कर लिया, बाकी भाई ये रॉड तोड़ देगा भाई तुम लोगों का भाई। खाली पीली क्यों ही तोड़े हैं? चलो चलो भाई ट्रेलर चलाना भाई सबसे मुश्किल काम है यार, देख रहे हो भाई कहाँ ले जा रहे हैं भाई, कहाँ जा कहाँ आ रही है, इसको भाई कंट्रोल कैसे करेंगे हम लोग? रुक जाओ। चलो चलो भाई ये लो भाई ट्रेलर को, अभी तो हमने भाई निकाल तो लिया, बाकी यहाँ से भाई फटाफट से। अरे अरे भाई साहब, अरे भाई यार ट्रेलर कहाँ छूट गई। आ जाओ जल्दी लग जाओ, बताओ यार भाई आराम आराम से ले जाना यार हमें भाई, यहाँ से तो रास्ता नहीं है भाई, लगता है भाई उधर के साइड से कोई रास्ता है। अबे यार भाई मैं इसको भाई स्कॉर्पियो की तरह चला रहा हूँ भाई, तेज तेज यार भाई, मेरे को भाई ये ट्रेलर वगैरह भाई ज़्यादा चलाने की भाई आदत नहीं है ना इसीलिए। चलो चलो भाई आराम आराम से। अच्छा अच्छा भाई रुक जा, अबे भाई रुक जा। चलो मुझे अंदर ले जाने दो पहले अपने भाई ट्रेलर को। चलो चलो भाई ट्रेलर को अभी हम भाई अंदर तो रुक रुको भाई, इसको भाई ट्रेलर को अपने भाई बैक करके ले जाएंगे। अबे यार भाई आराम से रुक जाओ भाई, ये ट्रेलर को भाई कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा भाई मुश्किल हो चुका भाई मेरे लिए, ठीक है? One eternity later. तो गाइजर भाई अभी बाल बाल हमने भाई क्या जैसे तैसे भाई ये ट्रेलर को भाई यहाँ तक तो भाई ले आए हैं अपना, वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत से। चलो भाई ये यहीं तक आ पाएगी, इससे आगे ना आ पाएगी भाई। अब तुम अपने हिसाब से भाई इसमें फटाफट से लोड कर दो, ठीक है? अभी हम भाई क्या करते हैं भाई फटाफट से भाई ये दोनों गाड़ियाँ भाई यहाँ पर लोड करवा लेते हैं और जाके अपने यहाँ भाई रख लेंगे भाई अपने गैराज पे। तो जी गाइस यार चलो अभी हमने भाई दोनों की दोनों भाई यहाँ पर भाई लोड कर लिया भाई ये दोनों भंगार वाली गाड़ी। बताओ भाई क्या ही हालत हो रखी यार इनकी। और भाई साहब आपका पेमेंट अभी करना है क्या? अरे हाँ भाई अभी कर दोगे तो मेरे हिसाब से ठीक ही रहेगा। अच्छा चलो फिर ठीक है, पेमेंट कर देते भाई ये भाई का। चलो भाई फटाफट से हम भाई मनी एंड सर्विसेज में जाके भाई फटाफट से इनका भाई पेमेंट कर देते मेज बैंक से। सुख आज यार चलो भाई अभी भाई हमारा पेमेंट तो भाई डन हो चुका है, ठीक है ना भाई? पेमेंट आ गया होगा, चेक कर लो। अरे अरे हाँ भाई आ गया, अभी अभी नोटिफिकेशन आया था। अच्छा ठीक है, तो चलो चलो भाई अभी हम भाई फटाफट से अपने भाई ट्रेलर लेके भाई यहाँ से निकलते हैं भाई, बगल में ही है भाई, ज़्यादा दूर तो जाना है नहीं वैसे भी हमको भाई। ये सही है भाई, बगल के हमने भाई दो गाड़ियाँ उठवा ली। वैसे भाई भंगार वाले भाई को भी भाई फ़ोन करके बोलना है यार भाई। अबे यार आराम आराम से भाई, हम उल्टी साइड आ गए यार, रुक जाओ। अभी भाई आ गए तो अभी भाई कर भी क्या सकते हैं ना, चलते भाई यहाँ धीरे धीरे ले जाना होगा हमें।
भैंस की आंख भाई कहां पर ठुक जाती है यार, ऐसी भी कोई गाड़ी होती है यार। चलो भाई फटाफट से हम लोग भाई यहाँ पर अपना भाई ट्रक को यहाँ पर पार्क कर देते हैं और भाई दोनों की दोनों गाड़ियाँ भाई उतार लेते हैं। और बबलू भाई देखो मैं आपके लिए भाई कौन सा गिफ्ट लेके आया हूँ भाई, ये दोनों की गाड़ी अभी तक ख़त्म नहीं हुई क्या? अच्छा चलो रिपेयर तो कर रहे हैं। और बबलू भाई बताओ यार भाई ये दोनों की दोनों गाड़ी भी उतारनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा ठीक है, बस इनका ऑटो हो गया। चलो भाई साहब आपका ऑटो हो गया, यहाँ से ले जाओ। अच्छा ठीक है भाई आपका ऑटो रेडी हो चुका, आप अभी ले जा सकते हो इसको। अच्छा ठीक है अभी मैं ले जाऊँगा। चलो भाई इनका तो भाई ऑटो रिपेयर हो चुका है, चलो चलो सर बाय बाय। और मैडम का ओके, मैडम का भी ऑल्टो 800 रिपेयर हो चुका है। और मनीष भाई इनका पेमेंट हो गया क्या? अरे अरे हाँ सर इनका पेमेंट हो चुका है। अच्छा चलो चलो मैडम पापा की बारी, अभी अच्छे से चलाना गाड़ी, फिर ठोक ठाक मत देना ठीक है। चलो भाई आराम आराम से, अच्छा हुआ कि भाई निकल गई, वरना क्या पता भाई फिर से इधर उधर भाई ठोक देती या फिर क्या होता। चलो चलो भाई फटाफट से भाई ये दोनों की दोनों गाड़ियों को भाई नीचे उतार लेते हैं जल्दी से जल्दी। सो ऑल राइट गाइस, अभी भाई अपनी भाई दोनों की दोनों भाई भंगार वाली गाड़ियाँ भाई नीचे आ चुकी है। चलो भाई सही है यार, भाई इतनी ज़्यादा गंदी हालत, बबलू भाई क्या देख रहे हो यार आप? अरे नहीं वही मैं देख रहा था, आप ये कचड़ी गाड़ी उठा के कहाँ से ले आए? अरे यहीं बगल से लेके आया हूँ। अच्छा कितने की थी? अरे दोनों 19,000 की। अरे वाह काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल गई। अच्छा हाँ ठीक है, और इसको कब तक रिपेयर करने का प्लान है बबलू भाई? पहले कौन से को करेंगे, एसयूवी मतलब ये पिकअप को या फिर ये कचड़ी वाली गाड़ी को? अरे पहले ये पिकअप ही कर लेते, उसके बाद ये सेडान देखेंगे। अच्छा ठीक है, आप और मनीष भाई फिर भिड़ जाओ। अरे वो मनीष भाई। हाँ हाँ भाई बोलो। आप बबलू भाई को हेल्प कर दो वहाँ पर पिकअप वगैरह बनाने में ठीक है, मैं बाकी का कोई और भंगार की गाड़ी देखता हूँ कोई बढ़िया बढ़िया हो तो। काफ़ी कस्टमर्स पिछले वाले एपिसोड में भाई घूम के चले गए थे यार, क्योंकि हमारे पास भाई हुंडई की i20 नहीं थी भगवा कलर की, हमें भाई 3-4 गाड़ी जो भाई भगवा कलर की भाई निकालनी पड़ेगी यार हुंडई i20। तो अभी भाई क्या करते हैं, रुक जाओ भाई भंगार वाले भाई को भाई कॉल लगाते यार, इसको कॉल लगा के भाई कहना पड़ेगा भाई जल्दी से जल्दी भाई फटाफट से अपना भाई काम कर दे भाई जल्दी से। So, guys, यार अभी भाई भंगार वाले भाई को तो हमने भाई कॉल तो लगा लिया। और भंगार वाले भाई क्या हालचाल? अरे भाई मेरा तो बढ़िया, तुम्हारा बताओ क्या हालचाल है? अरे भाई मेरा तो बढ़िया है यार, बस मुझे ये हुंडई i20 4-5 मिल जाती तो भाई सही रहती। अरे क्या 4-5 मिलना तो मुश्किल है, वैसे मैं ट्राई करता हूँ ठीक है। और यहाँ पर सुनिए, और मेरे को और एक स्कॉर्पियो चाहिए, एक हुंडई i20 चाहिए, और मेरे को तो हाँ बस स्कॉर्पियो और हुंडई i20 भिजवा देना, और बाकी आपको जो वैसा तगड़ी गाड़ी लगे भिजवा देना अपने मन से। अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, होगा तो 2-3 घंटे में मैं भिजवा दूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है। तो गाइस यार चलो अभी फाइनली भाई उनसे हमारी बात तो हो चुकी है, अभी भाई क्या करते हैं यार। अबे भाई ये ट्रेलर को हमने भाई कुछ ज़्यादा भाई आगे लगा दिया क्या? अपनी स्कॉर्पियो भाई वहीं पर है, रुक जाओ। तो गाइस यार चलो भाई इसको भाई और ज़्यादा बैक करते, एक सेकंड भाई। ओह वाह भाई इनका भाई काम भी स्टार्ट हो चुका है, रुक जाओ भाई। पहले भाई इस ट्रेलर को भाई थोड़ा दबा के इधर के साइड लगा देते हैं ठीक है। अबे यार भाई ये ट्रेलर को भाई कंट्रोल करना इतना ज़्यादा मुश्किल है ना, मैं क्या बताऊँ भाई, दिमाग ख़राब हो जाता है यार मेरा तो। हाँ जी भाई चलो। हेलो भाई अभी आराम से हमने भाई साइड में भाई लगा दी अपनी टो ट्रक को ठीक है, बाकी भाई फटाफट से जाके देखते। ओ भाई साहब चलो आप लोगों का काम शुरू हो गया क्या? अरे अरे हाँ भाई शुरू तो हो गया, चलो मेरे को काम करना है तो भाई काफ़ी ज़्यादा भारी है ये। अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं भाई, आराम से काम करो अपना। और यहाँ पर भाई बबलू भाई, अच्छा भाई हैमरिंग का काम कर रहे हैं, चलो बबलू भाई ठीक करो जल्दी से इसको भाई, वैसे कब तक ठीक हो जाएगी? अरे अरे भाई दूर रहो भाई, इससे पता चलेगा भाई अपने भाई शरीर छिज जाए इसमें। चलो और बबलू भाई बताओ भाई कब तक ये एसयूवी रिपेयर हो जाएगी? अरे भाई बस ये शाम तक तो रिपेयर हो जानी चाहिए, बाकी देखते हैं भाई कब तक होती है, शाम तक हो जानी चाहिए। अच्छा फिर ठीक है भाई शाम तक तो रिपेयर हो जाएगी तो भाई सही है। और अपना भाई उधर रुक जाओ भाई, अपना भी भाई भंगार वाले के पास से भी भाई, अच्छा भाई वो तो भाई उसने कहा भाई भेज देगा, अपना भाई भेज देगा तो भाई सही है। बाकी भाई ये क्या कर रहा है? ओ भाई क्या कर रहा तू? अरे कुछ नहीं बॉस, मैं वही स्टॉक वगैरह चेक कर रहा था, माल कितना आया गया। अच्छा ठीक है चल भाई चेक कर सही है।
बाकी भाई अपनी भाई स्कॉर्पियो यार भाई क्या ही तगड़ी लग रही है यार। अरे भाई आराम आराम से चला भाई, ठुक गई ना तो भाई लिटरली पीतल भर दूंगा मैं तेरे शरीर में भाई। चलो चलो भाई फटाफट से अभी भाई फटाफट से अपने भाई स्कॉर्पियो को भाई यहाँ से भाई घुमाते भाई थोड़ा बहुत आराम आराम से भाई। क्या करे यार भाई भाई शाम तक भाई भाई वेट करते भाई भंगार के भाई आने का, तब तक भाई अपनी स्कॉर्पियो हम भाई यहीं पर भाई पार्क कर देते। रुक जाओ हेलो भाई ड्रिफ्ट मारते हुए। चलो अभी भाई थोड़ी देर भाई यहीं अपन लोग भाई वेट करते यार भाई। वेट करने के अलावा भाई अपने पास कोई उपाय भी नहीं है। सो गाइस जरा अभी भाई रुकते रुकते तो भाई काफी ज्यादा भाई देर हो चुकी है। अभी तक अपना भाई ट्रक नहीं आया यार, 2 घंटे से भाई ज्यादा बीत चुके भाई। पता नहीं यार भाई कब तक भाई ट्रक आएगी अपना भाई। पीछे की साइड रुको भाई, अभी तक अपनी भाई गाड़ी रेडी हुई कि नहीं भाई वो भी देखना है मुझे। रुक जाओ भाई देखते। ओ भाई अरे ओ बबलू भाई हमारी गाड़ी कहाँ गई वो बंगार वाली? अरे अरे भाई वो यही तो है ये। भाई मजाक मत करो यार बबलू भाई, बताओ ना भाई कहाँ पर है? अरे मैं सच बोल रहा हूँ मेरी माँ की कसम ये यही है। अरे भाई साहब भाई यार मेरी तो भाई बोलती बंद होगी भाई ये गाड़ी को देख के। भाई वो गाड़ी दूसरी थी, आपने भाई ये कैसे भाई फोर्ड रैप्टर में कन्वर्ट कर लिया? अरे अरे बस कुछ नहीं, उसका किट वगैरह मैंने बस लगा दिया, इंजन दूसरी का है। अच्छा फिर ठीक है भाई, लेकिन गाड़ी एक नंबर लग रही है यार देखने में, बिल्कुल भाई तगड़ी मॉडिफाई की है। ओ भाई साहब पीछे देखो यार गाइस भाई, पीछे भाई देख के भाई और ज्यादा भाई मजा आ रहा भाई। ये एलॉयज वगैरह भाई यहाँ पर डाल लिया इन्होंने भाई। यार भाई ये साइड में जो भाई ऐसे रैप्टर लिखी हुई ना और ज्यादा भाई तगड़ी लग रही है यार गाड़ी तो। गाड़ी भाई मेरे को एक नंबर लगी यार भाई, जो बोलो गाड़ी का भाई कोई जवाब नहीं यार भाई, काफी ज्यादा भाई खतरनाक भाई यार। और बबलू भाई आप इनको मतलब हमारे व्यूअर्स को बता दो इसमें आप लोगों ने क्या क्या मॉडिफिकेशंस की है। अच्छा पहले देख लो आप, गाड़ी तो हमने पूरी चेंज ही कर दी है, लेकिन इसमें ये देखो यहाँ पर हमने एयर इनटेक निकाल दिया यहाँ पर ताकि पानी वगैरह में आराम से जा सके। अच्छा अच्छा और हमने यहाँ पर एक फुट स्टेप्स लगाया और एलॉयज देख लो एलॉयज कितनी प्यारी, और इंटीरियर हमने सेम टू सेम फोर्ड रैप्टर की बना दी है। इसमें इंजन जो लगी वो फोर्ड रैप्टर से कम भी नहीं है, एकदम टक्कर की मुकाबला दे सकती है। अच्छा भाई गाड़ी तो तब तो भाई तगड़ी है यार, एक बार भाई स्टार्ट करके देखना पड़ेगा। सुर भाई अभी हम भाई इधर से जा रहे थे यार, जबकि हमें भाई जाना उधर से भाई, क्या करें भाई रैट है मतलब भाई उधर से। मनीष भाई थोड़ी देर के लिए, हाँ बस थोड़ी देर के लिए। चलो ये देखो भाई, अबे भाई साहब क्या ही आवाज आ रही है भैंस की आंख। और भाई देख रहे हो भाई गाड़ी तो भाई एक नंबर है यार भाई, जो बोलो। चलो चलो भाई, ओ भाई साहब गाड़ी तो भाई मेरे को भाई एक नंबर लगी यार। बाकी आप लोग बताओ यार भाई, ये फोर्ड की रैप्टर भाई मेरे को भाई एक नंबर गाड़ी लगी यार। चलो चलो अभी तक तो भाई ट्रक आ जानी चाहिए भाई, पता नहीं भाई कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन भाई इन्होंने जो एसयूवी बनाया ना भाई एक नंबर यार भाई, लिटरली भाई कोई भाई देख के भाई बता नहीं सकता कि मतलब भाई ये वो भाई कचड़े वाली गाड़ी है भाई, नेक्स्ट लेवल मॉडिफाई कर दिया यार इन्होंने तो। अरे भाई हट जाना भाई यार, आप कमेंट में बताओगे यार आपको ये फोर्ड रैप्टर भाई कैसी लगी। और गाइज आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन मैं सब्सक्राइब नहीं करते यार भाई, क्यों यार भाई सब्सक्राइब भाई कर दिया करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई। अभी तक भाई ट्रक नहीं आया, रुको भाई उस ट्रक वाले को भाई कॉल करते हैं भाई, कहाँ पर है गाइज यार भाई उसको भाई कॉल करते। वेट भाई हम कॉल करने वाले थे कि भाई ये ट्रक लेके आ भी चुका है भाई, इस बारी कुछ अलग ट्रक लेके आए भाई इन्होंने भाई, काफी ज्यादा अलग ट्रक है। अरे भाई आराम से यार भाई, कर क्या रहे हो भाई तुम भाई, ये ड्राइवर खतरनाक है। रुक जाओ अपनी गाड़ी को भाई बैक कर लेते, पता चले कि भाई अभी भाई हमने गाड़ी बनाया और अभी भाई इसने ठोक दिया तो भाई इससे ज्यादा भाई दिक्कत वाली बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन यार भाई गाड़ी एक नंबर यार, एक नंबर गाड़ी मॉडिफाई करी है यार बबलू भाई आपने। अरे अरे थैंक यू कोई बात नहीं, लेकिन ये ट्रक में क्या आया है? अरे बबलू भाई ये ट्रक में अपना हुंडई i20 और एक स्कॉर्पियो आई है, जो कि मतलब भाई कस्टमर वगैरह घूम गए थे ना, फिर उनको मैंने उनका नंबर ले रखा है, जैसे ये गाड़ी आप लोग रिपेयर कर लोगे उनको फोन करके मैं बुला लूंगा और फिर से वो अपना गाड़ी वगैरह ले लेंगे। अच्छा अच्छा फिर तो सही है।
भाई इस ड्राइवर को बोलना पड़ेगा। अरे ओ ड्राइवर, पीछे का ये ढोका खोल ले भाई, गाड़ी नीचे उतार ले। तो गाइस यार चलो भाई, अभी भाई फाइनली भाई अपना भाई ट्रंक तो भाई खुल चुका भाई, जाके देखते हैं। ओके ओके चलो भाई। अब भाई स्कॉर्पियो वगैरह तो आ रखी, लेकिन भाई हालत भाई इनकी काफ़ी ज़्यादा बुरी है। अब भाई कहाँ घुस गया भाई, साइड से जाना चाहिए था हमें। रुक जाओ भाई, काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है यार इनकी। चलो अबे भाई साहब, चलो कोई बात नहीं भाई, अभी हम भाई इसको धीरे धीरे करके भाई बाहर के साइड भाई निकाल लेते हैं जल्दी से। तो चलो जी गाइस, भी हम भाई धीरे धीरे भाई स्कॉर्पियो को तो भाई बाहर लेके आ चुके हैं। बाकी गाड़ी अपनी भाई बाहर निकल चुकी है भाई, देख रहे हो भाई इसका इंजन भी भाई ख़राब है, पूरी भाई न्यूट्रल में भाई इधर उधर जा रही है। चलो भाई तब तक के लिए ऐसा करते हैं भाई, अपनी स्कॉर्पियो को भाई इसको यहीं पर पार्क कर देते हैं। भाई यार हालत देख रहे हो भाई, क्या ही हालत है। देखो भाई धुआं अलग से निकल रहा है, लाइट वगैरह भाई साड़ी मुड़ चुकी है भाई। एक तो भाई इनके दरवाजे भी नहीं है, बताओ पीछे से इतनी ज़्यादा ठुकी पड़ी हुई है भाई, काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशन है भाई गाड़ी की। ऊपर देखो भाई रूफ वगैरह भाई सारा कुछ डैमेज्ड है भाई, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाला। और भाई इन बाकी की हुंडा i20 में देखो यार भाई, देखो ये तो भाई कोई काम का है ही नहीं भाई। इसका भाई इंजन वगैरह भाई सारा बिगड़ चुका है, ठीक है। देख लो भाई इंजन में भाई धुआं भी निकल रहा है, और भाई गाड़ी भाई बुरी तरीके से भाई ठुकी हुई है। चलो तो भाई ये गाड़ी मतलब आग लग गई थी यार भाई, आग लग के भाई इसको भाई मुझाया गया है। बाकी आप देख सकते हो भाई गाड़ी की हालत भाई देख के ही पता चल रहा होगा। और भाई ये गाड़ी तो भाई कब से भाई पड़ी पड़ी भाई ख़राब होगी, इसकी इंजन वगैरह भाई सारा कुछ। और भाई इसका भाई एक्सीडेंट हुआ था, और इसके मालिक ने भाई वहीं पर गाड़ी छोड़ दिया, तो भाई काफ़ी ज़्यादा पुरानी होगी और ख़राब हो चुकी है। और ये गाड़ी तो भाई इसका इंजन ठीक है, लेकिन देखो भाई अलॉय भाई टायर्स वगैरह भाई सारे कुछ भाई उड़ चुके हैं, और रूफ वगैरह देखो भाई कितने हद तक डैमेज है, लेकिन भाई इंजन इसका भाई सही है। तो भाई इसमें इंजन का भाई ज़्यादा काम है नहीं अपना, बस भाई रूफ वगैरह का काम है, बस इतना ही काम है यार। और भाई ऐसा करते हुए अभी भाई हमारी भाई सारी की सारी भाई गाड़ी उतर चुकी है, तो भाई ये वाले भाई को भाई घर भेज देते हैं, मतलब भाई ट्रक लेके भाई भिजवा देते हैं। और भाई आपने भाई ये आप तीनों जो हुंडा i20 देख रहे हो भाई, यही भाई ने उतारा भाई, हमने ना उतारा क्यों भाई। अरे हाँ सर, और भाई तुम्हारा क्या पेमेंट कुछ है। अरे नहीं सर, वो बंगार वाले भाई दे देंगे। अच्छा तो फिर भाई मेरा काम हो चुका है, तुम यहाँ से जा सकते हो। अच्छा ठीक है सर, तो भाई चलो अभी भाई इसको जाने तो देते हैं भाई। अपनी भाई ये फोर्ड रैप्टर यार, इसको भाई हम लोग भाई आगे के साइड भाई पार्क कर लेते हैं, ठीक है। रुक जाओ, लेकिन उससे पहले भाई इसको भाई जाने दो यार भाई खाली पीली भाई, क्यों मतलब भाई इनको भाई वो करना। उसके बाद हम भाई गाड़ी वगैरह भी अपना भाई आराम से शिफ्ट कर लेंगे। तो जी भाई अब आप अभी निकल सकते हो, ठीक है, आपका काम हो गया है, अभी ज़्यादा काम तो नहीं बचा है। चलो भाई इनको भाई निकलने के लिए देते हैं। अबे भाई भाग जाओ यहाँ से भाई, चलो बाय बाय भाई, थैंक यू फॉर डिलीवरी, ठीक है भाई। इसने भाई अच्छे से भाई हमारी गाड़ी डिलीवर तो कर दी। अभी ऐसा करते भाई अपनी स्कॉर्पियो जो भाई इसको हम क्या करते हैं भाई, धीरे धीरे रुको पहले भाई अपनी भाई फोर्ड रैप्टर को भाई सबसे पहले इसको ठिकाना लगाना पड़ेगा। रुक जाओ अबे भाई आराम से यार, भाई यार क्या कर रहे हैं हम भाई, आराम से जाना हमें भाई यार। इसकी जो भाई थ्रोटल की भाई साउंड आती है ना लिटरली भाई, वो मेरे को भाई काफ़ी ज़्यादा भाई गजब लगती है भाई। इसकी आवाज़ जो है ना भाई नेक्स्ट लेवल है यार भाई, शायद ही भाई कोई गाड़ी मैंने अभी तक भाई ऐसी आवाज़ सुनी हो भाई, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी आवाज़ है इसकी। चलो भाई ये फोर्ड रैप्टर को अपन लोग भाई यहाँ पर रख देते भाई सेल में। हेलो जी, ये फोर्ड रैप्टर अपनी आ चुकी है सेल में। अबे ओ भाई ये देखना, ये फोर्ड रैप्टर सेल में, फेसबुक में इसको भाई इंफॉर्मेशन वगैरह दे देना लोगों को। अच्छा ठीक है बॉस, हो जाएगा, लेकिन इसका प्राइस कितना है। हाँ भाई यार इसका प्राइस तो हमें भाई सोचना पड़ेगा भाई, कितना रखें भाई आपके हिसाब से क्या लगता है भाई, कितना रखना चाहिए भाई। कमेंट करो यार एक बार भाई, कमेंट करो भाई जल्दी से, इसका भाई प्राइस अपना कितना होना चाहिए। मेरे हिसाब से हमने क्योंकि भाई इसको भाई रिस्टोर किया है, तो भाई ये सेकेंड हैंड है, तो हमें भाई शायद से इसको भाई 25 लाख तक की भाई दे देनी चाहिए, ठीक है। 25 लाख तक भाई दे देना, बाकी आप लोग भाई कमेंट करोगे, हम उसी हिसाब से अपनी गाड़ी वगैरह भाई बेचेंगे। बाकी भाई क्या करते भाई, यहाँ भाई जो गाड़ी वगैरह भाई, इन सारी गाड़ियों को भाई मैनेज करना पड़ेगा यार भाई, इन सारी गाड़ियों को पहले भाई ठिकाने लगा लेते। रुक जाओ,
पहले भाई ये हुंडई i10 भाई तीनों, हाँ भाई रुक जाओ भाई, इनको भाई पहले बबलू भाई को पूछ लेते हैं। और बबलू भाई यहाँ सुनो, एक काम था आपसे। अरे अरे हाँ बताओ ना। ये आप तीनों जो हुंडई i20 देख रहे हो और एक वो स्कॉर्पियो, कब तक ये रेडी हो जाएगी? अरे बस ज्यादा नहीं, 3 दिन लगेंगे, उसका तो इंजन सही है मेरे हिसाब से। हाँ भाई उसका इंजन सही है, एक रेड कलर की उसकी इंजन सही है, बाकी ये दोनों की खराब है। अच्छा फिर 3 दिन में रिपेयर तो हो जाएगी मेरे हिसाब से। अच्छा ठीक है चलो चलो भाई, 3 दिन में तो अपनी भाई सारी गाड़ी रिपेयर हो जाएगी भाई। ऐसा करते हैं अभी भाई सारी गाड़ी को ठिकाने लगा लेते हैं। अजर चलो भाई, ये तो भाई स्टार्ट होने से रही, ये भाई स्टार्ट ना हो रही भाई, उल्टा भाई धुआं निकल रहा है। ऐसा करते भाई अपनी भाई इसको स्कॉर्पियो को, ना ना भाई स्कॉर्पियो को ना भाई, यहाँ लगा ही दिया तो अभी भाई क्या करना है, बाकी ये लोग भाई बाद में इधर उधर कर लेंगे। अभी हमने भाई गाड़ी स्कॉर्पियो को भाई यहाँ पर लगा दिया, बाकी ये वाली हुंडई i10 को भी भाई फटाफट से लगा देते। रुक जाओ भाई, धीरे धीरे हम भाई सारी गाड़ी को पहले भाई पार्क कर लेते। अबे भाई यार इसकी देखो भाई रिम कैसे घिस रहे हैं यार, देख रहे हो भाई कैसे भाई फायरिंग छोड़ रही है। अबे भाई साहब भाई काफ़ी ज़्यादा भाई फायरिंग छोड़ रही है भाई ये i10 को भाई धीरे धीरे। अबे अबे भाई इसका तो भाई अलाइनमेंट वगैरह भाई सारा बिगड़ चुका है भाई, चक्के ही नहीं है तो भाई अलाइनमेंट का छोड़ो यार, हम भी क्या बात कर रहे हैं। चलो भाई बिना दरवाजे का बाहर निकल रहे हैं, सोचो भाई अभी भाई धीरे धीरे भाई सारी गाड़ियाँ भाई आराम से पार्क कर लेते हैं। तो जी गाइस अभी भाई हमने भाई सारी की सारी भाई गाड़ियाँ यहाँ पर भाई पार्क तो कर लिए, देख रहे हो भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से भाई, एक तो स्टार्ट नहीं होती है, न्यूट्रल में भाई जैसे तैसे भाई धक्के लगवा के हमने भाई यहाँ पर रखा है यार। चलो चलो अभी भाई सारी गाड़ी अपनी भाई पार्क तो हो चुकी है, बाकी अभी भाई 3 दिन बाद अपनी भाई सारी की सारी भाई गाड़ी मॉडिफाई होने वाली है। और गाइज आप लोग भाई कमेंट करके बताओगे यार भाई फोर्ड रैप्टर आपको भाई कैसी लगी यार। और बबलू भाई बताओ यार ये स्कॉर्पियो भाई कितना ज़्यादा डैमेज है, बहुत ज़्यादा डैमेज है ना भाई? अरे अरे क्या बताऊँ, देखो आगे भी डेंट है, ऊपर भी डेंट है, पीछे भी डेंट है, एक तो दरवाजे नहीं है इसके, और देखो नीचे भी डेंट है। अच्छा भाई चलो फिर ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आराम आराम से काम करना, गाड़ी एक नंबर बननी चाहिए। अच्छा अच्छा उसका टेंशन तुम मत लो। अच्छा चलो भाई फिर ठीक है, अबे क्या करते अपन लोग भाई, हमने तो भाई भंगार में से भाई ये गाड़ी तो भाई उठा ली है, अभी भाई अपना भाई क्या काम बच रखा है। अबे फोर्ड रैप्टर तो भाई अपनी भाई दूसरे एपिसोड तक भाई शायद रहेगी। तो गाइस यार चलो भाई आज का एपिसोड भाई हम लोग भाई यहीं पर एंड करते हैं, बाय थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई कर देना भाई। नेक्स्ट वाले वीडियो में अपने भाई ये चारों की चारों गाड़ियां भाई रेडी हो जाएगी यार, एक वो भी भाई हुंडई i20 तो भाई सारी भाई भगवा कलर की होगी यार, क्योंकि भाई उसका डिमांड भाई ज़्यादा था। और भाई स्कॉर्पियो को भाई हम चाहे तो भाई ब्लैक कलर की भाई कर सकते हैं, उसके बाद आप देखना यार भाई स्कॉर्पियो ब्लैक कलर में कैसी लगती है, उसके बाद आप लोग भाई मुझे सजेशन देना क्या हमें भी अपनी स्कॉर्पियो को भाई ब्लैक कर लेना चाहिए या फिर कैसी करनी चाहिए, कमेंट में आप लोग भाई बता दोगे। ठीक है तो भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड बाय एंड भाई जय श्री राम।